सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मेरे पास है iPad Air M2 2024 मॉडल। इसमें दोस्तों 8GB रैम है एंड 128GB की स्टोरेज है। एंड सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप iPad 10th जनरेशन ले सकते हो एंड iPad Air 6th जनरेशन है 11 इंच। तो अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी 60,000 के रेंज में मिल रहा है, मुझे ये पड़ा है 55,000 रुपये का। आप भी डिस्काउंट लगाएंगे तो आपको ये पड़ सकता है 53,000 रुपये में। तो मुझे 55,000 में पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसे लेने से पहले लोगों का ये है कि भाई iPad Air लेना चाहिए कि नहीं। देखो वो जो लैपटॉप है वो बहुत ही iPad बहुत ही अच्छा है। चलो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ओके सो गाइस, चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। एंड भाई एप्पल का प्रोडक्ट अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। अब यहाँ पे आपको हमारा आईपैड दिख सकता है गाइस। ये देखो, ये रहा हमारा आईपैड। अब आप ये सोचोगे कि भाई ये पहले से ही ओपन है, तो मैंने ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग कर रखी थी। आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं थोड़ा आईपैड को साइड करता हूँ। अब इसमें आपको मिलता है, यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक पुस्तक है जिसे मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा इसमें क्या है। एंड आपको इसमें एक चार्जर मिल जाता है, और ये जो चार्जर है 20W का है, और इसके साथ ही आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है। तो आपको बॉक्स के अंदर बस इतना ही सामान मिलता है और बाकी आपका ये आईपैड है। अब बात करते हैं इस आईपैड के प्राइसिंग की। तो ऑनलाइन इसकी जो प्राइस है अमेजोन पे अभी 59,990 रुपये के आसपास है, अभी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ डिस्काउंट जब आप लगाओगे तो आपको ये 57,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। एंड फ्लिपकार्ट पे आपको ये 92,900 रुपये में मिल रहा है। एंड अगर आप ले रहे हैं जाके एप्पल स्टोर से तो वहाँ पे भी आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसके साथ आप अगर जुगाड़ लगाते हैं, अभी चल रहा है स्टूडेंट डिस्काउंट, तो उस पर आपको एप्पल आईपैड जो नई पेंसिल आई वो फ्री में मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि आप लोगों को ये आईपैड लेना चाहिए कि नहीं। iPad 10th जनरेशन जिसमें 64GB का स्टोरेज है दोस्तों, वो पड़ रहा था मुझे 28,000 रुपये में डिस्काउंट के साथ, तो मैं उसके साथ क्यों नहीं गया। उसमें देखो दोस्तों, उसमें जो A14 बायोनिक चिप थी, जिसकी वजह से उसका जो प्रोसेसर थोड़ा आज के मुकाबले वीक है। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट हैं आप या कोई भी काम करना चाहते हैं, गेमिंग भी करना चाहते हैं, तो आप ठीक ठाक कर सकते हैं। बट वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी जो 10th जनरेशन का iPad है, उसके साथ स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं खरीदा। इसमें आपको 128GB की स्टोरेज मिलती है, एंड इसके साथ आपको एप्पल की M2 चिप मिलती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी पावर है। एंड इसमें मैंने गेमिंग भी की, और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही प्यारा रहा। मैं इससे पहले एंड्रॉयड यूज़र था, एंड जब एंड्रॉयड में जब गेम खेलता हूँ तो फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड अगर बात करें इसकी हीटिंग की, तो इसकी जो हीटिंग है, तो इसमें हीटिंग होती है बहुत हल्का हीटिंग होती है, माइनर हीटिंग होती है। जब एक साथ आप 4-5 एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स, और उसी के साथ मैं नेटफ्लिक्स को बैकग्राउंड में रन करके अगर गेम खेल रहा हूँ, तो हल्का फुल्का ये हीट करता है। एंड गाइस, अब इसमें से आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल ये भी है, अब इसकी बैटरी कैसी है। तो देखो, बैटरी जो है मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा फुल चार्ज करने के बाद। लेकिन एप्पल का दावा है कि 12 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा। 12 घंटे का बैकअप तब आपको मिलेगा जब आई थिंक आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, आप सिर्फ कुछ पढ़ वढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो तब। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो और गेम खेलोगे तो 8 घंटे से ज़्यादा आपको बैकअप नहीं मिलेगा। फिर भी ठीक है, अगर आप लगातार बस इसी को यूज़ करोगे तो दिक्कत है। आप अगर फ़ोन पे काम कर रहे हो, फ़ोन से बातें कर रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, उसके बाद आप कॉन्टेंट देखने के लिए या आप एडिटिंग करने के लिए इसे यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने एडिटिंग भी इसके ऊपर ट्राई की, बहुत ही अच्छी एडिटिंग हो रही है, और लैग बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैंने इसे इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मुझे मेरे आईपैड में मुझे पावर चाहिए थी। पावर के हिसाब से ये iPad बहुत ही बढ़िया है, लेटेस्ट है, 2024 मॉडल है, और इसमें स्टोरेज अच्छा है। अगर आप 64GB का कोई भी iPad लोगे तो आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। इसकी वजह से मैं आपको सजेशन दूंगा आप 128GB या 256GB की तरफ जा सकते हैं। अब अनबॉक्सिंग करते समय मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, बिकॉज मैं कोई टेक क्रिएटर नहीं हूँ। तो आपको देखो साइड में 2 स्पीकर मिल जाते हैं, एंड इधर 2 स्पीकर मिल जाते हैं। इसमें से दोनों साइड के एक एक स्पीकर काम करते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको टच आईडी मिल जाती है, जो टच आईडी है आपकी बहुत ही प्यारा काम करती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, लैग देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड इसके साथ गाइस यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जर मिल जाता है, एंड इसके साथ आपको 20W का चार्जर मिलता है, जो मैंने अनबॉक्सिंग के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। सो गाइस चलिए, अब मैं आपको थोड़ा गेम खेल के दिखा देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं देखो कोई गेमर नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा गेम के बारे में नहीं पता है, बट फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा पबजी शेयर कर देता हूँ। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ इसका
ग्राफिक्स कैसा है। एंड गाइस आप ये देख सकते हो कि ये इसका ग्राफिक्स है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, एंड सच में बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कोई भी लैगनेस फील नहीं होती है इसमें। सो मैं एक चीज़ कहूँगा कि गेम खेलने में कोई भी लैग नहीं फील होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बट मुझे ज़्यादा गेमिंग के बारे में नहीं पता है, तो आप किसी और की भी वीडियो देख के फील कर सकते हो कि कैसा गेम का एक्सपीरियंस आपका रहता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो गेमिंग वीडियो को, अगर आपको गेमिंग पर्पस से लेना है तो आप किसी और की भी वीडियो देख लेना। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बिल्कुल भी हीटिंग नहीं हो रही है। मैं इसे लगभग 10-15 मिनट से खेल रहा हूँ, इससे पहले मैं TDM भी खेल रहा था लेकिन कोई भी हीटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया अपना होनेस्ट ओपिनियन बताया, मैं कोई टेक रिव्यू करने वाला नहीं हूँ। मैंने खरीदा था इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।